हेलो फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मनी प्लांट के ऊपर है, कैसे इसका प्रोटेक्शन करें और कैसे इसकी केयर करें। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मनी प्लांट्स बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, एक छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लगाया हुआ है, जैसे भी छोटे पॉट में लगा सकते हैं, या आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप हैंगिंग बास्केट्स में चाहें तो उसको लंबा लटकने दीजिए, अगर उनको लंबा लटकने दिया जाता है तो उनकी अच्छी लंबाई हो जाती है, 10 फीट तक के लंबे हो सकते हैं। अगर अच्छे से केयर नहीं भी करते हैं, लो मेंटेनेंस प्लांट है तो ऐसे ही छोड़ दिया, ज़्यादा केयर नहीं की तो भी 5-6 फीट तक तो लंबे ये इजिली हो ही जाते हैं। इनकी सॉयल के लिए भी ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, सिंपल जो पॉटिंग मिक्स आता है, सिंपल पॉटिंग मिक्स लीजिए और उसमें इसको इजिली ग्रो करा सकते हैं। वाटरिंग के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं चाहिए होता है। अगर आपने इसको धूप में नहीं रखा है, शेडी एरिया में रखा है या सेमी शेड एरिया में रखा है, तो उसको पानी वंस इन अ वीक डालिए, वीक में एक ही बार डालिए। ये भी समर्स में, अगर विंटर्स में तो फिर विंटर्स में तो विंटर्स में नहीं तो ये प्लांट खराब हो जाते हैं, पत्तियाँ जो उसकी गलने लगती हैं, तो पानी का थोड़ा ध्यान इसका रखना पड़ता है। दवाई से अच्छे टॉल हो जाते हैं तो इनको वॉल पे ऐसे ऊपर क्रीपर की तरह ऐसे लगा सकते हैं। तो मैंने ये हैंगिंग बास्केट में काफ़ी टॉल हो गया था, ऊपर की तरह चढ़ा दिया। और ये छोटा सा पॉट था, इसमें ही काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है यहाँ पर, तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो मेरी मॉस स्टिक पुरानी ख़राब हो गई थी, तो मैंने अभी तो ऐसी सिंपल स्टिक में चढ़ा दिया। जब मॉस स्टिक आएगी तब उसमें उससे चढ़ाऊँ। और ये भी देखिए, ये भी मैंने लगा रखा है, मेरे पास कई सारे प्लांट थे, बहुत बड़े हो गए थे, मुझे काटने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया। और ये सब भी बहुत बड़े हो रहे थे, तो उनका कटिंग करके इनकी शेप दे सकते हैं, आप मन चाहे शेप जैसे भी चाहें शेप दे दीजिए। अगर इनको आप बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो इनको कट करते रहिए रेगुलरली, और ये इनको एक डिज़ायरेबल अपनी शेप दीजिए। ये अब मैं बताती हूँ इसको कैसे आप प्रोपोगेट करें। एक छोटी सी यहाँ से कहीं से जहाँ से भी ये एंड हो रहा है, यहाँ से आप छोटी सी स्टिक आती है, और जहाँ से इनकी एरियल रूट्स, देखिए एरियल रूट्स निकल रही हैं, ये इनका यहाँ सही है, इस जगह से इसको यहाँ तो मिट्टी में लगा दीजिए ऐसे, या इसी को लेकर आप पानी में बॉटल में इसी लगा दीजिए। ये बॉटल में भी मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं, दिखा रही हूँ। पानी का ये भी 10 डेज में चेंज करते रहिए, तो पानी में इजिली चल जाते हैं। मनी प्लांट की खासियत है कि ये जहाँ धूप नहीं आती है वहाँ भी लगा सकते हैं, और जहाँ धूप आती है वहाँ भी लगा सकते हैं। अगर इनको एक बड़े ट्री के साथ आप लगाएंगे तो इनके लीव्स जो साइज नॉर्मली तो ऐसे ही रहता है छोटे पॉट्स में, उनमें साइज काफ़ी बिग हो जाता है। तो बड़े ट्रीज के साथ आप बाहर आउटडोर लगाइए, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रीज हो जाती हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और वैसे लोग उसको वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्लांट मानते हैं, वुड लग के लिए घर में लगाते हैं, आप भी लगाइए और इन्जॉय करिए। मनी प्लांट पिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, गार्डनिंग अपने घर में शुरू करिए, गार्डनिंग करते रहिए।
साथ एंजॉय करिए। थैंक यू।